हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पारा लीगल स्टडी बी ई जी एस वन एट फाइव जो हमारा कोर्स है उसकी आगे हम यूनिट अपनी करते हैं द क्लास रूम एज ए डिस्कोर्स स्पेस तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट इसका तो उसमें क्या आएगा कि इन ऑर्डर टू मेक द क्लास रूम स्पेस डायनामिक एंड मोर इंगेजिंग टीचर्स एज वेल एज लर्नर नीड टू डेवलप क्लास रूम इंटरेक्शनल कॉम्पिटेंस जिसको हम सी आई सी भी बोलते हैं ठीक है क्या बोला मैंने कि अगर आपको क्लास क्लासरूम को काफ़ी डायनामिक बनाना है और उसमें इंगेजमेंट आपको चाहिए अगर स्टूडेंट की लर्नर की और टीचर की तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट जो तरीका है वो है सी आई सी का जिसको हम बोलते हैं क्लासरूम इंटरेक्शनल कॉम्पिटेंस अब सी आई सी क्या है इट इज़ डिफाइंड एज टीचर्स एंड लर्नर्स ability to use interaction as a tool for uh, mediating and assisting learning तो इसमें जो सबसे important जो चीज़ है वो क्या है that ability to use interaction और जो interaction हो भी गा वो किस किस के बीच है teachers और learner के बीच और उसमें सबसे जो best way है वो क्या है that tools for mediating and assisting learning की आप कोई दो लोग जो हैं तो उनकी help करना बीच में दूसरा Uh, आप क्या करा सकते हैं कि जब आप टीचिंग और लर्निंग मीन्स आप लर्नर को मोटिवेट कर सकते हैं उनको इनक्रेज कर सकते हैं और सेम जो टीचर्स फिर जो फीडबैक दे रहा है तो जो लर्नर्स हैं उनको वो एडोप्ट करके उन चेंजेस को अपना सकते हैं मीन्स उन करेक्शन uh, मिस्टेक्स उनको दूर कर सकते हैं तो सी आई सी मैथड इज़ वेरी अफेक्टिव एंड द टीचर्स एंड लर्नर रिएक्ट टू ईच अदर वन दे आर टूगेदर इन द क्लासरूम इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पार्ट ऑफ द सी कि दोनों का मीन्स टीचर्स और लर्नर दोनों को रिएक्ट करना होगा एक दूसरे को क्लासरूम में एंड रिएक्ट यहाँ पे जो वर्ड है अगर शॉर्ट फॉर्म में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्ट तो रिएक्ट हैज़ बीन यूज्ड इन द रिसर्च लिटरेचर टू रिफर टू द कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन द लर्नर्स एंड द टीचर्स एंड अमंग द लर्नर्स दैम सेल्फ तो रिएक्ट जो है वो रिसर्च लिटरेचर्स में इस चीज़ का यूज हुआ है और ये जो रिएक्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है इंट्रेक्शन होना तो ये लर्नर और टीचर के बीच हो सकता है और बिटवीन द लर्नर्स भी ये हो सकता है एंड इंट्रेक्शन इन द क्लासरूम नीड्स टू बी मैनेज रेदर देन प्लान्ड तो यहाँ पे एक और चीज़ समझने की है कि जो ये इंटरेक्शन आप कराएंगे ये प्लान पहले से प्लान किया हुआ नहीं होना चाहिए बल्कि टीचिंग के सॉरी टीचर के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि ये सी जो मेथड है जो इंटरेक्शन जो वो कराते हैं जब लर्नर्स के बीच या फिर स्टूडेंट्स और ख़ुद के बीच तो ऐसा जो टीचर्स है उसके अंदर वो स्किल होनी चाहिए ताकि वो चीज़ों को मैनेज कर पाए ठीक है तो ये सब चीज़ें आएंगी सी सी में नेक्स्ट है अगर यहाँ पर हम बात करें कि एल टू क्लासरूम जो इंट्रैक्शन है उसका क्या मतलब है और किस तरीके से उसको हम यूज़ करते हैं तो ये जो एल टू जो एल टू का मतलब होता है जैसे कि ये जो टर्म्स है इसका मतलब है कि फ़ोर टाइप ऑफ सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम रूम इंट्रैक्शन इसका मतलब एल टू मतलब सेकेंड लैंग्वेज अब ये क्या मतलब हुआ इसका तो यहाँ पे जो लायर जो बंदा है ना इन्होंने एक काफ़ी इंपॉटेंट चीज़ बताई है उन्होंने कहा है जैसे फॉर एग्जांपल हमारी रीजनल लैंग्वेज अलग है जैसे हिंदी है आपकी कोई और हो सकती है या मे भी हिंदी आपकी हो और जो सेकेंड जो लैंग्वेज है ठीक है वो हमारी है इंग्लिश जो मीन्स जिस लैंग्वेज को हम टारगेट कर रहे हैं वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है तो यहाँ पे वो फोर टाइप ऑफ जो क्लासरूम इंट्रैक्शन बताते हैं उसमें पहला जो टाइप है वो क्या है उसको बोलते हैं लेस टॉपिक ओरिएंटेशन लेस एक्टिव एक्टिविटी ओरिएंटेशन मीन्स दोनों चीज़ें कम है टॉपिक ओरिएंटेशन भी कम है और एक्टिविटी ओरिएंटेशन भी कम है अब इसमें होगा क्या इसमें होगा ये कि अगर टॉपिक भी आपके पास कम है और आपको एक्टिविटी भी कम करने का मौका दिया जा रहा है तो इसमें कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा और आप फ्री हो मीन्स जो चाहे जैसा चाहे आप बोलते हो एक्सप्रेस करते हो ये ठीक है तो लेस टॉपिक ओरिएंटेशन एंड लेस एक्टिविटी ओरिएंटेशन इसका मतलब समझो पहले ध्यान से जो मैंने बोला कि टॉपिक आपके पास अब आप मान लो क्लास में गए आप एक्टिविटी कराना चाहते हैं तो ये जो हैं ये बंदे ये कह रहे हैं जो लायर जो हैं ये कह रहे हैं कि जो क्लासरूम इंटरेक्शन है उसमें पहला टाइप का जो इंटरेक्शन होता है वो होता है कि आपके पास टॉपिक भी कम है और आपके पास जो एक्टिविटीज़ जब आप करा रहे हैं तो एक्टिविटीज़ भी आप कम करा रहे हैं दोनों चीज़ें कम हैं तो इस केस में हम कहेंगे कि ये इस टाइप का जो इंटरेक्शनज है ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे का इंट्रेक्शन इसको नहीं बोल लेंगे और इसमें क्या होता है इसमें लर्नर के पास फ्रीडम है कि वो जैसे मर्जी अपने आप को एक्सप्रेस करे नेक्स्ट जो है वो है मोर टॉपिक ओरिएंटेशन लेस एक्टिविटी ओरिएंटेशन तो इसमें क्या होगा कि टॉपिक आपके पास बहुत ज़्यादा है लेकिन आप एक्टिविटी नहीं करा रहे एक्टिविटी आपकी बहुत कम हो रही है तो ये जो मेथड है ये आपका मैं कहूँगा सही मेथड नहीं है क्योंकि ये तो वन वे इंट्रैक्शन हुआ कि जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कि टीचर है टीचर सिर्फ बोलता चला जाए और स्टूडेंट की वो सुन ही नहीं रहा है एक्टिविटी कोई करा ही नहीं रहा है तो टॉपिक ओरिएंटेशन जो है मीन्स मोर टॉपिक ओरिएंटेशन और लेस एक्टिविटी ओरिएंटेशन ये जो मेथड अगर ऐसा इंट्रेक्शन होता है तो ये वन वे इंट्रेक्शन बोला जाएगा और ये बेहतर नहीं होगा थर्ड जो है वो है मोर टॉपिक ओरिएंटेशन मोर एक्टिविटी ओरिएंटेशन तो नो no डाउट ये दिखने में अच्छा लग रहा है कि टॉपिक भी आपके पास अच्छे खासे हैं और आप एक्टिविटी भी बेहतर करा रहे हैं लेकिन क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा है तो अब आप एक्टिविटी भी कराएंगे ना तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा ही बोलना बोलने से काम चलाना पड़ेगा तो उसमें आप कोई जैसे लाइन बोल सकते हैं जैसे स्टोरी जॉक के रूप में इंटरव्यू के रूप में इस तरीके की जो चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हो क्योंकि टॉपिक जैसे इंटरव्यू होता है तो उसमें वो बहुत सारे टॉपिक आपसे पूछते हैं तो जब आपसे पूछते हैं तो आप टू द पॉइंट ही आपको बताना होता है तो वो आप उस रूप से भी इस एक्टिविटी को समझ सकते हैं कि मोर टॉपिक ओरिएंटेशन, मोर एक्टिविटी ओरिएंटेशन इस जो टाइप का मेथड होता है इसमें जनरली स्पेसिफिक लाइन प्रॉपर आप टू द पॉइंट चीजों को बोलते हैं लास्ट जो है जो कि काफ़ी अफेक्टिव है वो जो है वो है लेस टॉपिक ओरिएंटेशन मोर एक्टिवली ओरिएंटेशन इसका मतलब टॉपिक आपके पास कम है लेकिन आप एक्टिविटी ज़्यादा करा रहे हो अगर ऐसा है तो ये सबसे काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें सामने वाले को जो लर्नर हैं उसको बहुत ज़्यादा स्कोप मिलेगा ताकि वो बेहतर तरीके से इंट्रैक्शन अपना कर सके तो ये जो है एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि एल टू जो है सेकंड लैंग्वेज जो क्लासरूम रूम इंटरेक्शन है वो कैसे होना चाहिए तो उसके लिए वैन लियार जो बंदा है इस चार टाइप के जो जो चीज़ें बताई वो मैंने आपको समझाया उससे पहले हमने सी आई एस को समझा कि सी आई सॉरी सी आई सी सी आई सी जो है क्लास रूम इंटरक्शनल जो कॉम्पिटेंस ये क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेंड्स वो है क्लासरूम डिस्कोर्स देखो आगे चलने से पहले आ, मैं आपको एक ज़रूर इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आपको इग्नू के जो नोट्स हैं वो टू द पॉइंट चाहिए जैसे ये जो आ, आ, जितने भी मेरे प्ले लिस्ट में आप जाके देखेंगे जितने भी कोर्सेज़ हैं उन सभी के इवन अभी हम इंग्लिश का कोर्स पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं बिल्कुल क्रीम फॉर्म में जो अभी मैंने आपको जिस तरीके से पढ़ाया है और जो बोला है कि एग्ज़ाम्स के लिए टू द पॉइंट मतलब उतना ही वो क्रीम फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे टेन रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से तो आप चाहें तो उसको बाई कर सकते हैं ठीक है तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स वो है हमारा क्लास रूम डिस्कोर्स क्या है क्लास रूम में सबसे पहले हमें यहाँ क्वेश्चन की फॉर्म में समझना होगा कि दैट वाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड या आई मीन्स क्यों ज़रूरत है हमें इस क्लासरूम डिस्कोर्स को समझने की तो सबसे पहले है रिसर्च हैज़ शोन दैट प्रॉपर यूज ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स कैन स्ट्रेंदन टीचर स्टूडेंट बॉन्ड एक तो रिसर्चर जो है या जो रिसर्च है वो शो करता है कि जो क्लासरूम डिस्कोर्स है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच बॉन्ड को स्ट्रेंथ करता है क्रिएट एन ओपन एंड सपोर्टिव लर्निंग एन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड स्टूडेंट विद न्यू वे ऑफ एक्सप्लोरिंग इन्फॉर्मेशन दैट कैन लीड टू बी डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यू कॉन्सेप्ट तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि एक तो मैंने कहा आपको कि एक जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथ करेगा इसके अलावा ओपन और सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा इसके अलावा जो न्यू इन्फॉर्मेशनज़ हैं न्यू आइडियाज़ और चीज़ों को न्यू कॉन्सेप्ट को समझने में उनको हेल्प होगी तो ये सब कारण हैं जिसके कारण क्लासरूम जो डिस्कोर्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है अब आगे अगर उसमें समझें हम कि येट द प्री डोमिनेंट मोड ऑफ क्लासरूम टॉक इज स्टिल द टीचर सेंटर्ड initiate रिस्पोंड evaluate जिसको IRE आर ई मॉडल भी बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आई आर ई मॉडल आता है तो इसका मतलब होता है इनिशिएट करना रिस्पोंड करना और इवेलुएट करना तो इनिशिएट रिस्पोंड इवेलुएट इसी को बोलते हैं आई आर ई अगर ये जो मॉडल है ना इसका मतलब क्या होता है विच ओफ़न फोल शोर्ट एज एन अफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग एक्सपर्ट्स सेज एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर कहीं पे भी टीचर सेंटर्ड ये जो अप्रोच है आई आर अप्रोच जिसको इनिशिएट रिस्पोंड और इवेलट अप्रोच बोलते हैं अगर ये यूज़ होता है तो ये कम अफेक्टिव है मीन्स ये आज के दिन इतना ज़्यादा यूज़फुल है नहीं टीचर्स नीड टू स्टडी द वेराइटी ऑफ टॉक दैट गोज ऑन इन देयर क्लासरूम टू हेल्प मेक्स टीचिंग एंड लर्निंग वर्क बेटर फॉर द ऑल स्टूडेंट एंड वी मस्ट गो बिय द ट्रेडिशनल टीचिंग क्वेश्चन स्टूडेंट रिस्पोंड फॉर मैन तो हमें देखो क्या होता है अगर सिर्फ टीचर मान लो इनिशिएट कर रहा है इसका मतलब टीचर बोला रिस्पोंड स्टूडेंट रिस्पोंड कर रहे हैं और अगर वो कुछ गलती करते हैं तो टीचर उसको इवेल्युएट करता है तो यही तो हुआ आई आर ई मॉडल लेकिन ये जो मॉडल है फ्रेंड्स ये पहले ज़्यादा अफेक्टिव था आज के टाइम पे इतना अफेक्टिव नहीं है क्यों क्योंकि आज जो सिचुएशंस है काफ़ी बदल गई है अभी टीचर्स का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो चीज़ों को डिलीवर करे और सामने से रिस्पोंड बच्चों का आए और वो जस्ट उसको इवेलुएट करे सिर्फ इतना नहीं है अब टीचर का जो काम है वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि टीचर्स ऐसा एक माहौल बनाए दैट टू आस्क मोर ओपन एंटेड क्वेश्चन इसके अलावा इनकरेजिंग स्टूडेंट टू आर्क देयर ऑन क्वेश्चन इसके अलावा गिव स्टूडेंट्स मोर टाइम टू रिसर्च एंड एक्सप्लोर प्रॉब्लम्स एंड गिव स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग चॉइस अबाउट लाइन ऑफ द इंक्वायरी इन ए टॉपिक जैसे जैपनीज में जापान में क्या होता है जैपनीज कल्चर में कि एक स्टूडेंट है जैसे उसको टी सेरेमनी का काम दिया जाएगा कि चाय आप बनाओ इस तरीके का कुछ एक को जो है कैलीग्राफी का, का काम दिया जाएगा एक को जो है जैन उनके गार्डनिंग होता है गार्डनिंग पे वो बहुत ध्यान देते हैं वो चीज़ दी जाएगी अब इन सब इन्फॉर्मेशन के थ्रू क्या है कि अलग अलग बंदे को आपने वो काम दिया तो सब अपना अपना वो काम करेंगे तो एक एक्टिविटी का भी पार्ट हुआ दूसरा फिर वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ अभी कि नाउ इन द करंट टाइम जो नॉलेज है ना उसमें टीचर्स को नेगोशिएट जो है उसको अलाउ करना पड़ेगा उसको स्पेस देना होगा स्टूडेंट्स uh, को ताकि वो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकें स्टूडेंट्स को इनक्रेज करना होगा इसके अलावा नॉलेज रिसर्च करने पर उनको ज़ोर देना होगा और एक जो मैंने आपको लास्ट में बताया दैट गिव स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी फिर फिर फॉर मेकिंग द चॉइस कि उनको अपॉर्चुनिटी देनी होगी ताकि वो अपने च्वाइस के हिसाब से या फिर वो वो टास्क जो टीचर ने उसको दिया है तो उसमें वो बेहतर परफॉर्म कर सकें नेक्स्ट है यहाँ पर एक और चीज़ अगर जो इम्पोर्टेंट नोट के रूप में आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जो आई आर एफ मेथड है ना मीन्स वही इनिशियट रिस्पॉन्स और जो फीडबैक या इवेलवेट जो है इज़ ए पैटर्न ऑफ डिस्कशन बिटवीन द टीचर एंड लर्नर द टीचर इनिशियेट द लर्नर रिस्पोंड एंड द टीचर्स गिव फीडबैक यही होता है आई आर एफ मेथड दिस ट्रेडिशनल फॉर्मेट नोट मच यूजफुल इन द टूडेज़ टाइम एंड इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट लर्निंग इन द क्लास रूम वी नीड टू ग्रांट ग्रेटर पार्टिसिपेशन ड्राइज टू आवर आवर लर्नर एंड अलाउ देम टू प्ले ए मोर सेंट्रल रोल कि अभी जो मैंने बोला कि आपके आपको अगर अभी लर्निंग को बेहतर बनाना है तो ग्रेटर पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है इसके अलावा जो इंट्रैक्शन है ना क्लासरूम रूम जो हमने देखा था कि सी आई सी जो मेथड आप उसको बोल सकते हो या फिर जो क्लासरूम रूम इंट्रैक्शन जिसके ऊपर रिसर्चर ने भी बोला कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है उस पर हमें ध्यान देना होगा ठीक है और तभी आप बेहतर जो आपकी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी नेक्स्ट है फ्रेंड्स कुछ छोटे छोटे जो टर्म्स हैं वो आपके अगर एग्ज़ाम में इस तरीके क्योंकि क्वेश्चन आते हैं जो शॉर्ट में लिखना होता है जैसे अगर आ जाए कि वट डू मीन बाई टीचर इको टीचर जो इको है ये क्या टर्म है तो इसका मतलब होता है टीचर इको रिफर टू द रिपीटेशन ऑफ द स्टेटमेंट इन द क्लास बाय द टीचर दूसरा व्हेन ए टीचर रिपीट्स हिज और हर प्रीवियस स्टेटमेंट और ए लर्नर कंट्रीब्यूशन इट इज़ कॉल्ड टीचर इको जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं जैसे मान लो मैं कुछ चीज़ पढ़ा रहा हूँ और मैंने कहा कि आई वॉन्ट यू टू गेट इन टू पेयर कि आपको मैं पेयर में चीज़ें कोई दे रहा हूँ या आपको खड़ा कर रहा हूँ तो सामने वाला मान लो लर्नर पूछता है कि पेयर ऐसे रिपीट करता है तो मैं उसको फिर से करूँगा कि यस पेयर पेयर मीन्स टुगेदर तो इस तरीके से कहने का मतलब जो टीचर इको है उसमें क्या होता है कि रिपीटेशन होता है रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स इन द क्लास बाय द टीचर ये हो सकता है दूसरा कि वैन द टीचर रिपीट न हिज और हर प्रीवियस स्टेटमेंट और लर्नर कॉन्ट्रीब्यूशन तो उस दौरान फिर जो सामने से जो लर्नर है वो कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेगा दूसरा एक और एग्जाम्पल से समझो जैसे मान लो अभी एक एग्जाम्पल है जैसे मैंने किसी से पूछा कि वट डिड यू डू एट द वीकेंड क्या भाई वीकेंड में क्या कर रहे हैं सामने कहता है वो बंदा कि इट इज़ ग्रैंड माँ बर्थडे कि मेरी ग्रैंड माँ जो है उनका बर्थडे है सीज हंड्रेड ये वो बात बोलता है तो मैं कहूँगा ओ हंड्रेड वाओ एंड इज सी स्टिल हेल्दी तो देखो फिर से बोल रहा हूँ इस कन्वर्सेशन को समझना वट डिड यू डू एट द वीकेंड सामने से रिप्लाई आता है इट इज़ द ग्रांड मा इट इज़ ग्रांड मा बर्थडे एंड सी इज़ हंड्रेड वो बोलता है कि ग्रांड माँ का बर्थडे है वो हंड्रेड की हो गई तो मैं रिपीट कर रहा हूँ यही है टीचर ही को क्या कि ओ oh, हंड्रेड एंड इज इट सी स्टिल हेल्दी क्या वो सौ साल की होने के बावजूद भी हेल्दी है तो ये जो है मीन्स रिपीट जो हुआ इन सब चीज़ों को ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं टीचर ईको नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो है वेट टाइम वेट टाइम का क्या मतलब होता है वेट टाइम का मतलब होता है द टाइम दैट द टीचर्स गिव्स टू द स्टूडेंट टू थिंक एंड फ्रेम एंड आंसर जैसे टीचर्स ने कुछ बोला और सामने स्टूडेंट्स को टाइम दिया कि आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए तो ये जो टाइम आपको दिया सोचने के लिए जो उसी को बोलते हैं वेट टाइम ठीक है तो ये भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है नेक्स्ट अगर हम बात करें रिपेयर रिपेयर क्या है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि रिपेयर का मतलब होता है रिपेयर इज़ आल्सो कॉल्ड द एरर करेक्शन सो द टर्म एरर करेक्शन इज़ ए ब्रोडर टर्म विच मीन्स दैट ऑल टाइप ऑफ टीचर फीडबैक तो जितने भी टाइप के टीचर्स फीडबैक देता है चाहे वो औरली दे चाहे वो आपकी मिस्टेक्स को हाईलाइट करके दे चाहे वो आपको किसी भी थ्री थ्रू जो अगर वो फीडबैक दे रहा है तो उन्हीं सभी को हम एर ई मीस रिपेयर बोलते हैं नेक्स्ट है मोडिफाइंग स्पीच फॉर लर्नर अब इसका क्या मतलब हुआ तो रिसर्चर uh, जो रिसर्च स्टडीज़ सजेस्ट दैट लैंग्वेज टीचर टिपिकली मोडिफाई फोर एस्पेक्ट जब अपनी स्पीच है उसको वो फोर तरीके से मॉडिफाई करते हैं पहला क्या है एक तो है वोकेबलरी इज़ सिंप्लीफाइड कि मान लो कोई चीज़ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि टीचर्स को लगता है कि यार हाँ मे बी ये जो वर्ड है इसको स्टूडेंट्स सुनने में प्रॉब्लम होगी या स्टूडेंट उसको समझ नहीं पाएंगे तो वो क्या करेगा अपनी जो वोकेबलरी है उसको सिम्प्लीफाई कर देगा तो यही हुआ मॉडिफाइंग स्पीच फॉर लर्नर दूसरा एक तरीका क्या है इसमें कि ग्रामर इज़ सिंप्लीफाइड कि छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं पहले ग्रामर के या कोई ऐसे सिंपल सिंपल जो रूल्स है वो अप्लाई वो करेगा थर्ड है कि प्रोनाउंसिएशन इज मॉडिफाइड बाय द यूज़ ऑफ स्लोअर और क्लियर स्पीच कि जब कोई वो चीज़ बोल रहा है तो बहुत धीरे से बोल लेगा किसी वर्ड पे कि कि अगर वो सिखाना है स्टूडेंट को तो उस पर्टिकुलर वर्ड की जो प्रोनाशिएशन है वो या तो स्लो होगी या फिर बिल्कुल क्लियर स्पीच मतलब बिल्कुल साफ साफ वो सुनाई देना चाहिए एंड फाइनली क्या है जो आपका फेशियल uh, जो एक्सप्रेशन है गेस्चर है बॉडी मूवमेंट है उसके थ्रू भी वो अपनी बात कहने की कोशिश करेगा तो ये जो चीज़ें होती हैं मैंने कहा वो वोकेबलरी को सिम्प्लीफाई करना ग्रामर को सिंप्लीफ़ाई करना प्रोनासीशन उसको मॉडिफाई करना इन द स्लोवर वे और क्लियर स्पीच होना इसके अलावा जो है गेस्टर और फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू अपनी बात को रखना दीज आर द पार्ट ऑफ द मोडिफाइंग स्पीच फॉर द लर्नर नेक्स्ट है अगर टर्म आती है कि स्केप फोल्डिंग जो टर्म्स है अगर इसके बारे में आता है कि ये क्या है और इसके बारे में लिखो तो इसमें क्या है स्कैप फोल्डिंग इज एन इंटरक्शनल फीचर्स वेयर इन लैंग्वेज इज़ फीड इन अब इसका क्या मतलब होता है थोड़ा फिर से समझो इट इज़ एन इंटरेक्शनल फीचर्स वेयर इन लैंग्वेज इज़ फीड इन बाय द टीचर ड्यूरिंग एन एक्सचेंज टू हेल्प लर्नर एक्सप्रेस दैमसेल्फ मोर क्लियरली जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझता हूँ समझाता हूँ Uh, जैसे मान लो छोटा बच्चा होता है जैसे कार उसको नहीं बोलने आ रही वो मान लो कार को बोल रहा है तार है ना ऐसे इस तरीके से छोटे बच्चे आपने देखा होगा जैसे मान लो कार है तो उसको ऐसे कह ना बोलने के आ रहा वो थोड़ा सा तुतला के कुछ बोल रहा है ऐसे बोल रहा है तार तार तो हम क्या करेंगे स्केफ फोल्डिंग का मतलब है कि वहाँ पे रिपीट वट द चाइल्ड से द करेक्ट वे जैसे उसने बोला तार तो हम क्या करेंगे हम रिपीट करेंगे उसको ऐसे करके कि हाँ हाँ यस तार तार नहीं कार मतलब उसको हम मना भी नहीं कर रहे हैं लेकिन उसने जो बोला है वही बोल के फिर करेक्ट की तरफ जाएंगे ये जो है ना इसी को बोलते बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग तो फिर से बोल रहा हूँ स्केप फोल्डिंग इज़ एन इंटर फीचर्स वेयर इन लैंग्वेज इज़ फीड इन लैंग्वेज इन फीड इन का मतलब है कि जो उसने बोला है सामने लर्नर ने जो चिल्ड्रन ने जो बोला है ना उसको फीड इन करना कि उसको तो पकड़ना ही लेकिन उसको फिर सही भी करके देना ड्यूरिंग एन एक्सचेंज ठीक है तो ये जो है ये बोलता है स्कैप फोल्डिंग और उसका एक एग एक एग्जाम्पल एग एग जो मैंने बताया वो है कि रिपीट वर्ट द चाइल्ड सेज द करेक्ट वे जैसे फॉर एग्जाम्पल कि वो कार को अगर तार बोल रहा है ठीक है तो हम पढ़ेंगे कि हम कहेंगे तार यस ए कार ऐसे नेक्स्ट है कि सेंग इट अगेन ए डिफरेंट वे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो स्टूडेंट कह रहा है बच्चा कह रहा है मिल्क गॉन अब हमें पता है कि ये ऐसा नहीं होता कि मिल्क जाता है तो हम क्या कहेंगे हम कहेंगे कि से इट अगेन ए डिफ़रेंट वे फॉर एग्जाम्पल मिल्क गोन यस मिल्क इज़ फिनिस्ड तो हमने स्टूडेंट को क्या बोला हम उसको कह रहे हैं कि से इट अगेन इन ए डिफ़रेंट वे कि आप इसको अलग तरीके से भी बोल सकते हैं मिल्क गोन जो है उसके बजाय आप क्या कह सकते हैं यस मिल्क इज़ फिनिस्ड एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जैसे रिपीट एंड एक्सटेंड फॉर एग्जाम्पल यस मिल्क हैज़ ऑल गोन मान लो ये बोल रहा है स्टूडेंट तो हम उसको उसी की भाषा में पहले हाँ में हाँ मिलाएंगे हम कहेंगे कि यस मिल्क हैज़ ऑल गोन यू हैव ड्रंक इट ऑल कि तुमने वो इसलिए गया क्योंकि तुमने सारा पी लिया तो ये जो सब चीज़ें जो है ना ये स्केफ का पार्ट होता है और ये लैंग्वेज फीड इन इसको बोलते हैं हम जो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें ऐसे जो टॉपिक्स हैं ये जो शॉर्ट में उसमें आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं नेक्स्ट जो टर्म है फ्रेंड वो है व्हाट इज़ टॉपिकलाइजेशन टॉपिकलाइजेशन जो है जैसे टॉपिक जो होता है ना तो उसी से वर्ड निकल रहा है टॉपिकलाइजेशन और ये क्या है और इसके एडवांटेज क्या है तो इट इज़ डिफाइन एज ए प्रोसेस बाई विच लर्नर टेकअप समथिंग द टीचर और अनदर लर्निंग सेज एंड अटम्प टू मेक इट इन टू नेक्स्ट टॉपिक देर आर सेवरल एडवांटेज फॉर लेटिंग लर्नर हैव कंट्रोल ओवर द टॉपिक पहले समझो जैसे मैंने बोला आपको टॉपिकलाइजेशंस का मतलब होता है एक प्रोसेस है ये जिसके तहत बाई विच लर्नर टेकअप समथिंग द टीचर कि कुछ वो टीचर से लेगा या अनदर कोई दूसरा जो लर्नर है उससे लेगा एंड अटेम्प्ट मेक टू इट इन टू द नेक्स्ट टॉपिक और उसको लेके वो एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाएगा है ना तो ये है और इसका कह रहा है कि बहुत सारे फायदे होते हैं पहला क्या कि लिंग्विस्टिक जो कॉम्प्लेक्सिटी है द लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इनपुट कैन बी ट्रेलर टू द लर्नर्स ओन लेवल कि उससे खुद का जो लेवल है वो इम्प्रूव होगा जो लिंग्विस्टिक जो उसका लैंग्वेज जो लेवल है दूसरा इट कैन ऑल्सो क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर नेगोशिएटिंग मीनिंग्स वैन ए कम्युनिकेटिव प्रॉब्लम अगर कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो वो कम्युनिकेशन के दौरान नेगोशिएट कर पाएगा थर्ड जो है इट कैन ऑल्सो फैसिलिटेट द प्रोडक्शन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड द एक्सटेंसिव आउटपुट ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर तो प्रोडक्शन जो है अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कम्युनिकेशन तो उसको वो बेहतर बना सकता है उसको फैसिलिटेट कर सकता है और अपना जो अपनी जो बात है वो रख सकता है तो ये जो है फ्रेंड्स हमने बहुत सारे जो टॉपिक है वो समझे कि टॉपिकलाइजेशन क्या होता है उसके एडवांटेज क्या है स्केप फोल्डिंग देखा मॉडिफाई स्पीच जो है वो क्या होता है रिपेयर क्या होता है वेट टाइम टीचर ही को ये सारी चीज़ें हमने देखी और ये भी देखा कि क्लासरूम जो डिस्कोर्स है उसकी ज़रूरत क्यों होती है और L2 जो मेथड है क्लासरूम इंटरेक्शंस का वो देखा CIC हमने देखा तो ये सब है जो एग्ज़ाम्स के लिए आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको ये बिल्कुल टू द पॉइंट्स आप नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं थैंक यू सो मच